हनुमान मंदिर सुधार सभा धुलेड़ा बजूरी हमीरपुर की ओर से वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता रोहित शर्मा ने किया। हनुमान मंदिर सुधार सभा के प्रधान सदस्यों एवं इलाके के गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में देश व प्रदेश स्तर के नामी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर रोहित शर्मा ने कहा कि कोई भी जीत तभी सुनहरी होती है जब उसमें खून पसीना दोनों शामिल होते हैं। कुश्ती खेल नहीं जीवन शैली है जो संघर्ष के जीत के महत्व को बताती है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता के प्रतीक मेले और उत्सव के आयोजनों से हमारी संस्कृति को संजोने व सहेजने में बल मिलता है, साथ ही नई पीढ़ी को हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का भी ज्ञान होता है। इन आयोजनों से भाईचारा सद्भाव कायम रहता है। उन्होंने इस कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि जहां इस कमेटी में बुजुर्ग लोगों का अनुभव है, वहीं युवा सदस्य भी जोश से भरे हुए हैं, जो स्वस्थ व जागरूक समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार इसी परिपाटी को निभाते हुए आज का ये छिंज मेला जो है अपने प्रारंभ हो चुका है। तो एक बार फिर से जोरदार जयकारा बोलिए लखदाता पीर की जय। मेरा निवेदन रहेगा बाकी जो पहलवान है के लिए आए हुए हैं वहां पर अपना स्थान बना लें और रजिस्ट्रेशन टेबल के पास आकर के अपना नाम दर्ज करवा लें ताकि जो सामान्य कुश्तियां हैं वे समय पर पूरी की जा सके। इनके अंदर जो है वो कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं पर पहलवान इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे अब जो है वो COVID-19 समाप्ति की ओर है और बजरंग बली की कृपा से हम सब यहाँ स्वस्थ मौजूद हैं। तो करेंगे ये बहुत एक्सपर्ट है, बहुत रिलेटेड है, मैंने बहुत बार इनकी
चार कुश्तियाँ जो हैं वो चलेंगी उस समय तक, उसके पश्चात सामान्य कुश्तियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। और सामान्य कुश्तियों के लिए अभी तक रेफरी जो है वो हमारे हेलो कृपया सभी पहलवान नोट करें, जो भी कुश्ती लड़ने आए हैं हनुमान अखाड़ा दरेड़ा में वो कृपया कुश्ती उसमें सिर्फ पहलवान आप कुश्ती के लिए अपने दावेदारी जताता है सिर्फ तीन बजे तक, उसके बाद सिर्फ बड़ी वाली छोटी वाली के लिए क्वार्टर सेमी और स्टैंडर्ड कुश्ती। डोली सभी आए हुए दर्शकों का तय दिल से था कि 11 वर्ष से सबसे पहले जो वहां पे कुश्ती हुई थी उसके बाद जो है हमारी कमेटी ने इनवाइट कर रखे हैं और एक सीधी कुश्ती भी है और जो सामान्य कुश्तियों क्योंकि लॉकडाउन पूरे लगभग व्यस्त कर रहा विभिन्न प्रकार की अपना आशीर्वाद देकर अखाड़ा के बीच में दोनों के बीच में जो कुश्ती होगी उसके लिए अखाड़ा का चक्कर लगा करके दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार करेंगे केशु पहलवान जी। पर अज देखो इस मैदान बिच की करेगा शाबाश भाई, कुश्ती वाकई बड़ी चोटी दी है। ना दीपक हनुमान जी के पवित्र धाम मंदिर दुलेड़ा से अभी अखाड़ा के बीच में साढ़े बंटी भाजी पहुंची है पौर्ज वाले बल्ले 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 नहीं बंटी भाई धन्यवाद। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि कृपया COVID-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और ये छोटी वाली में थोड़ा फेरबदल किया है जगह और रवि रोटक ये बुलाए हुए इन्वाइटेड पहलवान है तो ये तैयार हो जाए धनैल जी आपकी कुश्ती अच्छी कराएंगे बढ़िया लेवल में जगह और रवि रोटक। छोटी बाली के लिए जो नाम तय हुए हैं हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पहलवान इस अखाड़ा में आज पहुंचे हैं उनमें से तीर्थ भड़ौर हमारे प्रागपुर पहला क्वार्टर फाइनल, दूसरा विशाल खन्ना दीपक चंडीगढ़, तीसरा सुख ललिया और वीरेंद्र अजनाड़ा। हमारे बीच पठानिया जी भी पहुंचे हमारे कुश्ती प्रेमी हैं जनाड़ा और विशाल जी ये लावा के संचालक हैं काफी कुश्ती प्रेमी दूर दूर तक करते हैं यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत।
तो कृपया सभी पहलवान छोटी माली के अपने आप के लिए जो है जिन दोनों पहलवान कृपया जल्दी से तैयार हो जाए। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, शाबाश बच्चे शाबाश। जीता लड़का हमीरपुर का लड़की है लुधियाना से। हेलो हेलो पहलवानों को जो है वो बिल्कुल वो रेडी हो, उनको कह दिया जाए। और एक और सूचना, हमारे ग्राम पंचायत बजूरी के उपप्रधान श्री मनोज कुमार कानगो जी ने हनुमान अखाड़ा दुलेड़ा के लिए 1100 रुपया दान किया है। मैं मनोज कुमार कानगो जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बा बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि इनका राजनीतिक भविष्य और उज्ज्वल हो। धन्यवाद, जय हिंद। शीघ्र अति शीघ्र अखाड़ा में आना चाहिए, इनको 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया जाए। और बाकी सामान्य कुश्तियों वाले कृपया अब धैर्य बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठे रहें। जैसे ही जब जिसका नाम अनाउंस किया जाएगा हम खुद उसको जो है वो अखाड़े में बुला लेंगे। अभी संयम बरतें, अपने स्थान पर बैठे रहें। चलिए जी ढोली
बहुत अच्छे शाबाश।